कीजिए आप, मुझे इस वक्त आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है आपकी कंपनी के किसी भी आर्टिस्ट को इश्क, दोस्ती और शादी करने का हक ही नहीं है। अपनी नीली आंखों से सबके दिलों में राज करने वाली ऐश्वर्या राय को भला कौन नहीं जानता है। बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड, देश से लेके दुनिया तक हर किसी के दिलों पे राज करती हैं ऐश्वर्या राय। 1 नवंबर 1973 को जन्मी ऐश्वर्या से भला कौन नहीं रूबरू है। नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या और आज मैं बॉलीवुड के फ्लैशबैक में बात कर रही हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। इस खूबसूरत अभिनेत्री ने जब मिस वर्ल्ड का खिताब जीता तो हर कोई देखता रह गया। जितनी खूबसूरत ऐश्वर्या थी उतनी खूबसूरत उनकी आंखें थी। ऐश्वर्या एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि उनकी आंखें बोलती हैं। ऐश्वर्या बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हर किसी के चलते सुर्खियों में रहती हैं। आज मैं ऐश्वर्या की उस हर चीज से आपको रूबरू करवाऊंगी जिससे आज तक आप लोग अवगत नहीं है। सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ जिस ऐश्वर्या की आप हर फिल्म के दीवाने हैं, वो ऐश्वर्या कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी। निमोड़ा गर्ल यानी कि ऐश्वर्या राय अपने करियर की शुरुआत में यानी कि जब कॉलेज में थी तो एक्टिंग में नहीं आना चाहती थी। उस टाइम वो आर्किटेक्चर बनना चाहती थी और वो आर्किटेक्चर के ही कॉलेज में उन्होंने एडमिशन भी लिया था। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जो कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग करते करते वो धीरे धीरे तक पहुंच गई मिस वर्ल्ड तक और बन गई बॉलीवुड की शहंशाह। देश ही नहीं दुनिया में भी ऐश्वर्या की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। कहते हैं नीदरलैंड में ऐश्वर्या के नाम का एक पूल भी है। शायद पूल भी कहता होगा कि किसके नाम पे उसको नाम मिल गया, क्योंकि ऐश्वर्या खुद इतनी खूबसूरत है कि उसको शब्दों में कभी बयां नहीं किया जा सकता है। ऐसे तो मैडम तुसाद में बहुत सारे सितारों के मुंह के पुतले लगे हुए हैं, लेकिन कहा जाता है ऐश्वर्या एक ऐसी अभिनेत्री है जिनको सबसे ज्यादा पर्यटक देखना पसंद करते हैं। इसके पीछे का भी एकमात्र कारण है उनकी खूबसूरती। वही अगर ऐश्वर्या के अभिनय पे हम थोड़ी सी बात करें तो ऐश्वर्या ने कई ऐसी फिल्में की हैं जिसमें उन्होंने बहुत गहरी छाप छोड़ी है। हम दिल दे चुके सनम, ताल, आ अब लौट चलें, बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें ऐश्वर्या ने बहुत ही खूबसूरती से अभिनय को पेश किया। लेकिन मोहब्बतें उनके करियर की टर्निंग प्वाइंट फिल्म कही जाती है। फैंस को शायद ही पता होगा कि मोहब्बतें में ऐश्वर्या का बहुत ही छोटा सा किरदार था। जब ये फिल्म बनाई जा रही थी तो ऐश्वर्या को लेके यशराज ने सिर्फ 5 से 7 मिनट का किरदार सोचा था, लेकिन जब ऐश्वर्या की मेहनत और लगन यशराज की तरफ से देखी गई तो उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि वो इस फिल्म में उनका किरदार और बढ़ाएंगे। और फिल्म जब रिलीज हुई तो फैंस उनके किरदार से बहुत प्रभावित हो गए थे। शायद इसीलिए इस फिल्म को फैंस आज भी याद रखते हैं। ऐश्वर्या राय की बात हो और सलमान खान की बात ना हो तो थोड़ा सा अधूरापन सा लगता है। ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अलग होके भी, साथ होके नहीं। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का अफेयर इतना तगड़ा था कि फैंस आज तक इस अफेयर को याद रखते हैं। भले ही ये प्रेम कहानी पूरी नहीं हुई, लेकिन अधूरी होके भी एक प्रेम कहानी कहते हैं पूरी रही। हम दिल दे चुके सनम के सेट पे इन दोनों के प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। संजय लीला बंसाली द्वारा निर्देशित ये फिल्म इन दोनों के करियर की ही सुपर हिट फिल्म मानी जाती है। कहते हैं सलमान ऐश्वर्या दोनों की प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई। दोनों का अफेयर शुरू हुआ, अक्सर दोनों साथ देखे जाने लगे, कहीं ना कहीं खुल्लम खुल्ला दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार भी किया। लेकिन सलमान की बढ़ती नजदीकियां ऐश्वर्या को घुटन भी महसूस करा रही थी। ये घुटन इस हद तक बढ़ गई कि सलमान जबरदस्ती पे उतर आए। कहते हैं एक वक्त ऐसा आया कि सलमान ऐश्वर्या के घर देर रात पहुंच गए और उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार करने लगे। हालांकि इन सब चीजों के पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें कही जाती हैं। लेकिन इसके बाद चलते चलते फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ चीजें सलमान ने की जिनके प्रूफ दिए गए। कहते हैं चलते चलते फिल्म की शूटिंग में सलमान खान ने जाके ऐश्वर्या राय के साथ हाथापाई की, जिसके बाद फिल्म से ऐश्वर्या को निकाल दिया गया। इसके बाद और भी कुछ वाकया हुए, सलमान ने ऐश्वर्या के साथ अभद्र व्यवहार किया, फिर क्या था, आखिरकार मजबूरी में आके ऐश्वर्या को सलमान का साथ छोड़ना पड़ा। कहते हैं ऐश्वर्या के अलग होने से सलमान इस हद तक टूट गए थे
कि वो उठी रात में कॉल किया करते थे। कहते ऐसे में परेशान ऐश्वर्या को सहारा देने के लिए उस वक्त विवेक ओबेरॉय आगे आए थे। भले ही विवेक ने उस वक्त ऐश्वर्या का साथ दिया हो, लेकिन वक्त पे सही साथ जिसने दिया था वो थे अभिषेक बच्चन, जो इस वक्त उनके पति हैं। सलमान से भले ही ऐश्वर्या की प्रेम कहानी थोड़ी अलग रही हो, लेकिन अगर हम बात अभिषेक के साथ उनकी प्रेम कहानी की करेंगे तो थोड़ी सी मजेदार है और थोड़ी सी अच्छी भी। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को किसी डायमंड की रिंग से प्रपोज नहीं किया था, बल्कि एक सादा सी रिंग से प्रपोज किया था, वो भी वो रिंग जो वो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पहन रही थी। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद अभिषेक ने किया है। अभिषेक ने एक बार बताया था कि वो दोनों एक फिल्म की शूटिंग साथ कर रहे थे, जिस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि ऐश्वर्या ही वो हैं जो उनके लिए सबसे परफेक्ट हैं, और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या को भी एहसास हो गया था कि अभिषेक ही है वो जो जिंदगी भर उनका साथ देंगे। अभिषेक ने उनको छोटी सी रिंग से प्रपोज किया और ऐश्वर्या ने उनको स्वीकार कर लिया हमेशा के लिए। दोनों की शादी भी एकदम टिपिकल यूपी वाले रीति रिवाजों के हिसाब से हुई थी। कहा जाता है ऐश्वर्या मंगली थी, इस कारण से अमिताभ बच्चन ने उनकी शादी पहले एक पीपल के पेड़ से करवाई थी। हालांकि ये खबरें मीडिया में रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और ऐश्वर्या और अभिषेक की खूबसूरत बेटी आराध्या है। आज ऐश्वर्या एक सक्सेसफुल वाइफ, सक्सेसफुल मदर, एक सक्सेसफुल बहू हैं और उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल अभिनेत्री भी हैं और लाखों दिलों पे राज करने वाली एक्ट्रेस। आज के बॉलीवुड फ्लैशबैक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मैं फिर से आप लोगों से रूबरू होंगी। तब तक देखते रहिए लोकमत न्यूज़.in।